यहाँ पर इस समय विजय संकल्प यात्रा को ज्वाइन करने के लिए जो गाड़ी आने वाली थी वो आ चुकी है। इसमें यहाँ पर आदेश सैनी जी हैं, ऊपर हैं गाड़ी के साथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और पीछे और भी काफिला है गाड़ियों का। आइए फॉलो करते हैं काफिले को भाई, काफिले में कौन कौन है इस विजय संकल्प यात्रा के, और धन सिंह रावत जी जो कि मंत्री हैं उनके भी आने की यहाँ पर उम्मीद है, यहाँ पे उनके भी आने की उम्मीद है और इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, इस काफिले को यहाँ से ज्वाइन किया जाएगा और यहाँ से यात्रा निकलेगी। यात्रा शुरू हो चुकी है अब और ये शुरू होगी, और पीछे गाड़ियों का काफिला है। इधर भी आप दिखा दीजिए, दोनों तरफ पीछे गाड़ियों का काफिला ही काफिला है यहाँ पर पीछे की तरफ जो ज्वाइन कर रहा है इस गाड़ी को, इस यात्रा को, और यहाँ से निकलेगी ये यात्रा और महाराणा प्रताप चौक तक जाएगी। इस काफिले को फॉलो करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर कि भाई कैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। जीते जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से यात्रा निकल रही है? ये यात्रा पूरे प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकल रही है। इस यात्रा से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता नए जोश के साथ 2012 के चुनाव में कार्य करेंगे। भाई रुड़की में क्या बदलेगा, कितना इम्पैक्ट आप मान रहे हैं रुड़की में? लग रहा है भाई एंटी इनकम्बेंसी है तब ये यात्रा आप निकाल रहे हैं सर? नहीं नहीं, ये पूरे प्रदेश में है, केवल रुड़की विधानसभा के लिए नहीं है। और रुड़की विधानसभा में माननीय विधायक बत्रा जी बहुत मजबूत है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो थोड़ा भी डर नहीं है इसको लेकर? कोई डर नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत है। रुड़की फिर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनेगा यहाँ पर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं कि विधायक बनेगा यहाँ पर 2022 में भी साफ तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन इस रैली को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इस रैली में युवा दिखाई दे रहे हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे और रुड़की के जो लोग हैं रुड़की के लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई क्या वो मुद्दे पूरे हो गए हैं जिनका वादा था और क्या चीज़ें नहीं है जो अभी चलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है विजय संकल्प यात्रा, जिसमें मंत्री जी हैं जी निकल रही है। साहब विजय रथ हो गया, जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। तो भाई महत्वपूर्ण साबित होगी रुड़की के लिए? साबित हो चुकी है साहब, अब कुछ नहीं रह गया। अच्छा, अभी कुछ जी अब कुछ नहीं रह गया, लेकिन शायद इंतजार करना होगा अभी 2022 का। अब आपको लग रहा है इतनी रैली देखने के बाद, इतना हजूम देखने के बाद, कोई इंतजार है किसी चीज का? इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्लियर कर दिया। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, कह रहे हैं कि भाई सब कुछ क्लियर हो गया और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। जी किस तरीके से देख रहे हैं सर रैली को? बहुत अच्छा तरीके से, सुबह से मैं ही लगा हूं और बहुत अच्छी यात्रा रही सुबह से। कह रहे सूर्यकांत जी सुबह से मित्र भी हैं हमारे, कह रहे सुबह से इसमें लगे हैं, थक भी गए लग रहा है। हाँ सुबह 9 बजे से निकले हुए हैं यात्रा के साथ, और हरिद्वार जगजीतपुर से, रानीपुर विधानसभा से, फिर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा, उसके बाद लक्सर विधानसभा जिसमें शैम्पी सैनी जी की मजबूत दावेदारी है और संभावना है कि टिकट देगी पार्टी, और फिर खानपुर विधानसभा से, लक्सर विधानसभा से, और खानपुर से होते हुए फिर अब रुड़की विधानसभा, रुड़की विधानसभा। चलिए यहाँ पर यात्रा को फॉलो करेंगे और लोगों से बातचीत कर लेंगे। प्रशांत राणा हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत किस तरीके से देखते हैं इस विजय संकल्प यात्रा को आप? देखिए आज धन सिंह रावत जी और हमारे माननीय जयपाल सिंह चौहान जी जो जिला अध्यक्ष है रुड़की और जिला हरिद्वार में, विजय संकल्प रैली इसलिए होती है कि निश्चित ही भाजपा की 2022 में संपूर्ण जीत भाजपा की होगी और संपूर्ण जीत रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा की होगी। तो रुड़की में लग रहा है भाई कहीं ना कहीं कमी है, शायद ये संकल्प यात्रा पूरी कर दे, लग रहा है आपको ऐसा? देखिए रुड़की में हर संकल्प यात्रा इसलिए नहीं होती कि उसमें कमी हो, हर संकल्प यात्रा इसलिए होती है जो हमने 5 साल में विकास किया है उसको जनता को संबोधित करें और जनता को दिखाएं कि हमने 5 साल में क्या विकास किया है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे भाई कि भाई पिछले 5 सालों में तो सरकार रही है, पिछले 5 सालों में तो कार्य किया है, तो इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है भाई? क्योंकि युवा शायद नाराज दिखते हैं, इसलिए उनको साथ लाने की यहाँ पर कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए हर 5 साल में विकास होता है, कहीं ना कहीं अगर विकास को देखा जाए रुड़की के अंदर, विकास के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सड़कें टूटती हैं 5 साल के अंदर भी, और जो पिछली 10 साल से 5 साल में सड़कें या कुछ और मतलब विकास नहीं हो पाया है, उन विकास को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम लगाती है और अब भी आने वाले 2022 के इलेक्शन में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। लेकिन लग रहा है आपको भाई एंटी इनकम्बेंसी शायद हो सकती है, मतलब पूरे उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि युवा जिस तरीके से भाई प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अभी बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लग रहा है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? देखिए एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब आपके पास रोजगार नहीं होता, आज देखिए कहीं ना कहीं रोजगार तो पैदा हुआ है, अगर आप रोजगार को बिल्कुल ही नकार देंगे तो ये गलत होगा,
क्योंकि रोजगार के साथ देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया अभी नहीं लगे हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया भी अभी इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाइए आप, प्लांट देखिए, वहाँ नए नए प्लांट्स लग रहे हैं और रोजगार बढ़ता जा रहा है और रोजगार मिलेगा भी। तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है आप लोग? जी बिल्कुल, बार भी प्रदीप बत्रा ही जीतेंगे, तो दिलवाएंगे इनको मेडल, दिलवाएंगे आपको, रुक जाओ, क्या आप बताओ क्या कह रहे हो आप? इस बार भी हमारे विधायक प्रदीप बत्रा ही होंगे। चलिए, लेकिन प्रशांत राणा यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। चलिए, प्रतिनिधि भी हैं ये विधायक प्रदीप बत्रा जी के, इन लोगों से बातचीत और करेंगे, लेकिन विजय संकल्प यात्रा के बारे में भी शायद जानना जरूरी कि कितना इम्पैक्ट इसका हर विधानसभा में हो रहा है और उत्तराखंड में कितना इम्पैक्ट होगा इस यात्रा का। और यहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही है, यहाँ पर फूलों की बारिश भी की जा रही है, यहाँ पर शायद ख्याल लगने की यहाँ पर कोशिश है। और ये बीटीगंज से ये यात्रा होकर जा रही है इस समय, और इस यात्रा को फॉलो कर रहे हैं युवाओं से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भाई, युवाओं की कैसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और रुड़की को लेकर, और लोगों से बातचीत करेंगे, इस संकल्प यात्रा को और फॉलो कर रहे हैं। तब तक आप लोग बने रहिए न्यूज़ अरा नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।